यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं, उसकी महिमा के गीत गाएं, उसकी आराधना करें, वचन सुनें और उसके वचनों में लीन हो जाएं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 113 में, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो। तो आइए हम बड़ी भक्ति के साथ उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हे पिता परमेश्वर, हे पावन आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, ओ प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, सब लोग। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता, सभी लोग मन खुशी के साथ हमारे साथ मिलके गाएंगे। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं, प्यार बोता रहूं, प्यार बोता रहूं।
मन करता येसु येसु गाता रहूं। मन करता राही बन कर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बन कर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता येसु येसु गाता रहूं। एक साथ मन करता येसु येसु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता येसु येसु गाता रहूं। मन करता सब लोग तालियां बजाते हुए गाएंगे। मन करता येसु की जय जय करता रहूं। मन करता येसु की जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। मन करता येसु येसु गाता रहूं। मन करता येसु येसु गाता रहूं। मन करता येसु येसु गाता। बार बार इसको गाते जाएंगे। मन करता येसु येसु गाता रहूं। सब लोग मन करता येसु येसु गाता रहूं। खुशी के साथ मन करता येसु येसु गाता रहूं। एक साथ मन करता येसु येसु गाता रहूं। बार बार मन करता येसु येसु गाता रहूं। येसु येसु गाता रहूं। येसु येसु गाता रहूं। हालेलुया 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 धन्यवाद येसु धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। आंखें मन कीजिए। समय इस सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए। सारी व्यस्तताओं को समय दूर रखिए। आराम से इत्मीनान से इस सभा में भाग लेने के लिए बैठ जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। प्रभु आपके पास हैं, आपके करीब हैं। प्रभु का नाम इमैनुएल है, ईश्वर हमारे साथ। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतर आने वाले यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आपके बीच और आपके पास हैं ये महसूस करना। आप इस पवित्र सभा में भाग लेने जा रहे हैं, अपने आप को तैयार करना।
प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, कई चिंताएं मेरे मन में हैं, प्रभु उन सारी चिंताओं को मैं तेरे सामने रखता हूँ। मेरे जीवन में जो पीड़ा है उन सारी पीड़ाओं को मैं तेरे सामने रखता हूँ। मेरी सारी व्यस्तताओं को मैं तेरे सामने रखता हूँ। घर के सारे काम काज को मैं तेरे सामने रखता हूँ। मैं ये समय तेरे साथ बिताना चाहता हूँ, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे सानिध्य में बैठने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए। प्रभु मुझे इस समय तैयार कीजिए, मेरी आत्मा को जगाइए, मुरझाई हुई आत्मा को जगाइए, मेरी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू मेरे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू मेरी विफलताओं को सफलता में बदल देगा। मेरे परिवार की तंगी को तू दूर करेगा। मेरी समस्याओं को तू दूर करके मुझे तुझ में आनंद मनाने की कृपा देगा, तेरी स्तुति करने की कृपा देगा। सुसमाचार में उस नारी की तरह जो झुकी हुई थी कई वर्षों से, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जब दुष्ट आत्मा हटाई गई वो सीधी हो गई और तेरी स्तुति करने लगी। प्रभु यीशु मैं भी झुका हुआ हूँ, मैं भी तेरी स्तुति नहीं कर पाता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू मेरे झुके हुए इस अवस्था को बदलेगा और मुझे तेरी स्तुति करने के लायक बनाएगा। प्रभु मेरे जीवन की हर एक बात को तेरे सामने समय रखता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि से एक घंटे में तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। मैं अपने कानों को तेरे लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए दे देता हूँ, अपने हृदय को तेरे लिए खोल देता हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ पलों में तू मेरे जीवन में कार्य करेगा तेरे वचनों के द्वारा, तेरे सानिधि के द्वारा। विश्वास है, यीशु विश्वास है। मैं अंगीकार करता हूँ कि तू ईश्वर का पुत्र है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे यीशु समय मेरे हृदय को जगाइए, मेरी आत्मा को जगाइए, मैं तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। आइए मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती है और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। हालेलुया। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। हालेलुया। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस समय अपने वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमारे मनों को आलोकित करें।
पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को खोले। पवित्र आत्मा आकर इस सभा में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें यीशु के नाम पर। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें, अपने हृदय में कहें, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, खुद से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आंखें खोलें, सबको जय सु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को सारे हृदय से इस सत्संग में स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि यह सत्संग अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, और इस समय प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, प्रभु हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। 2000 वर्ष पहले जिस तरह प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा दिया, रोगियों को चंगा किया, उसी तरह वही प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच में वही कार्य कर रहे हैं। वास्तव में प्रति पल प्रभु यीशु वही कार्य कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सत्संग के लिए। सत्संग के द्वारा बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के अनुग्रह मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को एक बहन ने अपना साक्ष्य सुनाया, झारखंड से, संगीता गुप्ता। उसका बच्चा जन्म से ही नहीं बोलता था, रोता नहीं था, इसीलिए शीशे में बंद था, आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर वो ठीक भी हो जाए तो मानसिक रोगी होगा, पागल होगा। तो इस बहन ने यहाँ पर फ़ोन किया तो उनको बताया गया कि तुम्हें काम करना, उसके लिए प्रार्थना करो। विश्वासी नहीं है, पहली बार प्रभु के बारे में सुनी है। मैंने कहा कि तुम प्रार्थना करो उसके लिए, और साथ साथ उस बच्चे के कान में जाकर येसु 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 बोला करो। और उस बेटी ने साक्षी सुनाया कि मैंने जैसा कि कहा गया था उसी तरह मैंने किया, और वो बच्चा रोया, अब दूध पीता है, हाथ पैर हिलाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्रार्थना दल के एक सदस्य को 31 साल की बेटी ने फोन करके कहा, जब वो बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मानसिक रोगी है। उसके भाई बहन परिवार में घर पे बहुत लड़ते झड़ते हैं, और इस लड़की पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। 30 साल की लड़की है, युवती है, खाना उन्हें नहीं खाती थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों ने कहा कि तुम ये काम करो, तुम प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करो। और जैसा कि पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, उन्होंने कहा कि तुम ये काम करो, अपनी ज़िंदगी के जितने पाप हुए हैं उन सारे पापों को याद करना, कागज़ पर लिखना, क्योंकि अभी पाप स्वीकार करने के लिए कहीं जा नहीं सकती हैं, उसको लिखना, और रात को कृपा धारा के समय प्रभु के सामने रखना। उस लड़की ने उसी तरह किया, और प्रभु के सामने बैठकर वो रोती रही रोती रही रोती रही। आज वो लड़की स्वच्छ हो गई, स्वतंत्र हो गई हैं, खाना खा रही हैं, पुष्ट हो गई हैं, और कोई नौकरी ढूंढ रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले रविवार के सत्संग के दौरान, उससे पहले दिसंबर से करीब 50 साल की एक बहन के चेहरे पर और सारे शरीर पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। पूरे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। विश्वास के साथ पिछले रविवार को सत्संग में भाग लिए, प्रार्थना और आराधना में भाग लिए, उसका पूरा शरीर नॉर्मल हो गया है, सूजन समाप्त हो गया बिना दवा के ही। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति
यीशु को धन्यवाद। एक युवती ने बेंगलुरु से फोन करके कहा है कि उनके शरीर में एलर्जी हुआ करता था, लेकिन विश्वास के साथ उसने पवित्र रक्ताभिषेक साधना में प्रार्थना में भाग लिया और उसका उसकी एलर्जी पूरी तरह से समाप्त हो गई, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, चंगी हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपके सामने कुछ नमूने रखे हैं, मैं जानता हूं इससे भी बहुत बड़े बड़े चंगाइयां हो रही हैं और बड़ी बड़ी चंगाइयां बड़ी संख्या में हो रही हैं। उन सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को यश देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन के जीवन से संबंधित विषय लेता हूं मनन चिंतन के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार। कई लोग इस दुनिया में अपने जीवन में अटके हुए महसूस करते हैं, यानी फंसे हुए महसूस करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पीछे हट नहीं पाते हैं, अटके हुए, अंग्रेजी में कहा जाता है स्टक, फंसा हुआ। नौकरी ढूंढते 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 थक गए, कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बनता नहीं है, सफलता नहीं मिलती है, फंसा हुआ है। एक गंदे रिश्ते से दूसरे गंदे रिश्ते में चला जाता है, फंसते जाता बच नहीं पाता है। नशे की आदत हो गई है, नशे से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करें बाहर आ नहीं पाता है, फंसा हुआ है। परिवार में जो व्यवसाय है, धंधा है या काम है, आगे बढ़ता नहीं है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ता है। एक के बाद एक बीमारी आ जाती है परिवार में, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद दूसरी को बीमारी, या अपने शरीर में एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, या परिवार में कोई मानसिक रोगी है, अगली पीढ़ी में भी कोई मानसिक रोगी है, परिवार में दो तीन व्यक्ति मानसिक रोगी हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं जिस परिवार में जवान औरत है, उसके चार पांच बच्चे हैं, यहां पे साधना में भी आए करते थे प्रार्थना में, तीन बच्चे मानसिक रोगी हैं और ये सिलसिला जारी है। कई परिवारों में, कई लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का अनुभव होता है, स्टक यानी फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, अटका हुआ है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थिति में लोग उपाय ढूंढने लगते हैं और यहां तक कि विश्वासी भी अंधविश्वास में चले जाते हैं और उन उपायों का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, तब भी फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह हैं, क्या करेंगे। यौहन के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु येसु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र कौन है? प्रभु येसु, ईश्वर का पुत्र। येसु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यौहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यौहन कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु येसु स्वयं यौहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसीलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति पाए। प्रभु येसु स्वयं कहते हैं कि वो इस संसार में क्या के लिए आए? मुक्ति देने, बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं, ऐसी अवस्था से लोगों को बाहर लाने के लिए आए हैं, छुटकारा देने के लिए आए हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु येसु कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ दिया जाएगा। येसु कहते हैं कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा और येसु यही कार्य करने के लिए आए इस दुनिया में। पिछले करीब 30 वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ हूं, मैंने देखा हजारों की संख्या में लोग बंधनों से आजाद हुए हैं,
ऐसी कटु परिस्थितियों से बाहर आए हैं। और किसने बाहर लाया? यीशु ने। कितने शराबी और नशेड़ी हमारे आश्रम में ही छुटकारा पाए हैं, दर्जनों दर्जनों दर्जनों। कितने अबदूत ग्रस्त हमारे आश्रम में छुटकारा पाए हैं, अबदूत ग्रस्त। पहले पहले जब प्रार्थना चलाता था उस समय इतने सारे अबदूत ग्रस्त हुआ करते थे, झूमते थे, बड़ा मुश्किल होता था प्रार्थना चलाना। एक एक करके प्रभु ने छुटकारा दिया, ये मेरा अनुभव है। हजारों की संख्या में लोग अपने जीवन में यीशु के द्वारा ये सामर्थ्य पाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने बारे में कहा है, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में, आपने उसको बार बार सुना है, शायद आप कंडस भी किए होंगे। यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्या के लिए? उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। यीशु अपने जीवन के बारे में और अपने सेवा कार्य के बारे में कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे इसीलिए अभिषेक दिया है ताकि मैं ये कार्य करूं, बंदियों को आजाद करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, ये मेरा काम है। प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं, ये मेरा काम है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु को ईश्वर ने पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। यीशु ने ये किया और यीशु ये करते हैं। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में। एक अबदूत ग्रस्त के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या वर्णन दिया गया है? वचन में लिखा हुआ कि वे समुद्र के उस पार गरेसियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अबदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। कहां रहा करता था? मकबरों में रहा करता था। बताइए, कब्रिस्तान में कोई रह सकता है? वो मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। यह एक इंसान है, इंसान का वर्णन है। कितनी दयनीय अवस्था है, बंधनों में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उसे पूछा, उससे कहा कि बाहर आ जाओ। प्रभु ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, हम सेना हैं, हम बहुत हैं। एक इंसान जिसके अंदर अबदूत थे और अबदूतों के वश में था, उसकी क्या दशा हो गई थी, उसका क्या रूप हो गया था, क्या स्वरूप हो गया था? पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, परेशान था, लोग उसको देखकर डरते थे, भागते थे, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पाते थे। ऐसा खूंखार इंसान प्रभु यीशु के जीवन में प्रवेश करते हैं। उसके अंदर जो अबदूतों की सेना थी उसको प्रभु यीशु ने दूर किया, उसको हटाया, वो मनुष्य स्वतंत्र हो गया, वो मौन हो गया, शांत हुआ, कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था और उसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। यीशु ने उसको स्वतंत्र किया। वही मनुष्य जो शांत स्वभाव का था, जो शालीन था, प्रभु का सानिध्य चाहता था, उसके अंदर अबदूतों की सेना आने से उसकी जिंदगी कैसे विकृत हो गई थी, वो कैसे कुरूपित हो गया था। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ वो
मनुष्य एक जानवर की तरह जीवन जीता था, शैतान की तरह जीवन जीता था, लेकिन प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन में भी आ जाते हैं, यही हो जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिसकी जिंदगी में प्रभु के आने के बाद बाप रे सोच नहीं सकते हैं, आमूल परिवर्तन हुआ है। मैं आपके सामने बाइबल से कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण है यौहन अध्याय 4 का समारी स्त्री का उदाहरण। वचन में लिखा हुआ वो दोपहर को पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। उस मरु प्रदेश में सोचिए, पानी भरने के लिए दोपहर को गई। अक्सर औरतें किस समय पानी भरने के लिए जाया करती थी? कुएं के पास सुबह के समय, जब ठंडा होता है। वो दोपहर को क्यों जाया करती थी? क्योंकि वह नारियों की नजरों से बचना चाहती थी। उसकी जिंदगी पापमय थी, वो एक अकेले अलग दुनिया में जी रही थी। उसके बारे में वर्णन प्रभु यीशु स्वयं करते हैं, उसके 5 पति रह चुके थे और अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। आप मुझे बताइए कि आपने कभी अपनी जिंदगी में कैसे ऐसी नारी को देखा है जिसने 5 बार शादी की है? एक बार शादी हो जाती है, या तो पति मर जाता है या भाग जाता है, छोड़ देता है। दूसरी बार फिर शादी करती है, फिर पति या तो मर जाता है या तो छोड़ देता है। तीसरी बार फिर शादी करती है, या वो पति भी या तो मर जाता है या छोड़ देता है। इस तरह 5 बार उस नारी ने शादी की। अब उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी, आज वो एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी। उस नारी की अवस्था देखिए, यानी उस उम्र में भी वो वासना के चंगुल में थी। उसका शरीर वासना से परेशान था, वो प्यासी थी लैंगिक सुख के लिए। एक ऐसी नारी की मुलाकात यीशु से होती है। अब उसके बाद क्या हो जाता है हम जानते हैं। वो यीशु के पास आती है या यीशु उसके इंतजार में रहते हैं, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। धीरे धीरे प्रभु की कृपा उसकी ओर बहने लगती है। वो प्रभु के वचनों को सुनती है, प्रभु के सानिध्य का एहसास करती है। उसकी जिंदगी बदल जाती है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। यौहन अध्याय 8:34 में लिखा हो प्रभु यीशु कहते हैं, यौहन 8:34 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन उसी अध्याय के 32 में प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस नारी ने यीशु को धीरे धीरे पहचाना। पहले उसने कहा कि आप यहूदी हैं, उसके बाद कहा कि लगता है कि आप नबी हैं, उसके बाद यीशु को वास्तव में पहचान लिया मसीह के रूप में। जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई, वैसे वैसे वो स्वतंत्र होती गई। इतनी मजेदार बातें बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु के सानिध्य में बैठकर या रहकर यीशु के वचनों को सुनकर यीशु की कृपा की सहायता से यीशु को पहचान लिया। जो ही यीशु को पहचान लिया, वो स्वतंत्र हो गए। वचन में लिखा हुआ उसने अपने घड़ा वहीं छोड़ दिया और गांव में चली गई लोगों को बताने के लिए, मैंने ऐसे एक मनुष्य को देखा जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। देखिए कितना परिवर्तन आया। वो यीशु की संदेश वाहिका बन जाती है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। एक स्वतंत्र पक्षी की तरह वो गांव की ओर उड़ जाती है, भागती है। यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम पौलुस का उदाहरण लेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 22 और अध्याय 9 और अध्याय 8 में पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, वो कितना क्रूर था, धर्मांध था। अपने धर्म को बचाने के लिए उसने मसीहियों को पकड़ पकड़ जेल में डलवा दिया, मरवा डाला। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से अंधा हो गया था, धर्मांध हो गया था, कट्टर कठोर हृदय वाला। यीशु से मुलाकात होती है दमिश्क के मार्ग पर, उसके बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अत्याचार करने वाला
अब अत्याचार सहने के लिए तैयार हो जाता है। यीशु से मिलने से क्या चमत्कार उसकी जिंदगी में हो जाता है, यीशु से मिलने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो एक महान संदेश वाहक बन जाता है। उसी तरह आप लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उठाइए, वहां पर जकेउस के बारे में बताया गया है, बार बार आप इनके बारे में सुनते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जकेउस बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था, लेकिन नाटा था और पापी भी था। समाज ने उसको पापी ठहराया था क्योंकि वो पापमय जीवन जीता था, लोगों को धोखा देता था, ठगता था, लोगों से अनावश्यक कर वसूल करता था। एक ऐसा इंसान यीशु से मिलने के बाद कैसे बदल जाता है? वही इंसान जो धन बटोरने के लिए पाप का सहारा लिया करता था, यीशु से मिलने के बाद अब परिवर्तित हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, जिनको मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना लौटा दूंगा। क्या परिवर्तन है! यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कोलोसी अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु ने संसार के हर आधिपत्य और अधिकार को हरा दिया। जकेउस के अंदर जो शैतान, जो आत्मा कार्य कर रही थी, जो लालच की आत्मा, जो सांसारिकता की आत्मा कार्य कर रही थी, यीशु से मिलने के बाद यीशु ने उसको पराजित कर दिया। लालच की आत्मा, सांसारिकता की आत्मा मिट गई, वो उदार बन गया, गरीबों के बारे में सोचने लगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 में संत पौलुस क्या कहते हैं, कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 13 प्रभु यीशु के उस महान सामर्थ्य के बारे में बताते हैं, ईश्वर ने ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया, उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर ने अंधकार की अधीनता से निकालकर यीशु के राज्य में ले आया। पौलुस अंधेरे में था, वो अंधा था, समारी स्त्री अंधेरे में थी, वो एक तरह से अंधी बन गई थी, जके उस अंधेरे में था, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने उनको अपने राज में ले आया, प्रकाश के राज में, ज्योति के राज में। बोलिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हर मनुष्य पापी है, कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं। हम लोग स्वतंत्र नहीं है, अभी स्वतंत्र होना है। इतने सालों से मैं वचन सुनाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं अपने आप को, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अभी भी मुझे स्वतंत्र होना है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा कार्यरत है, क्रियाशील है। किसी के अंदर हो सकता है वासना की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है कि अहंकार की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है लालच की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है क्रोध की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है आलस्य की आत्मा हो, ईर्ष्या की आत्मा हो, जलन की आत्मा हो, पेटूपन की आत्मा हो। विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर क्रियाशील हैं, यह सत्य है। यही कारण है कि उस क्षेत्र में हम स्वतंत्र होना चाहते। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा लैंगिकता है, बहुत ज्यादा वासना के चंगुल में, वे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वासना की आत्मा क्रियाशील है। द स्पिरिट ऑफ लस्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू यू इन यू। हम सभी लोग ऐसे, और यही कारण है कि हमारा रूप बदल जाता है, विकृत हो जाता है। जरा सोचिए, जब आप क्रोध में आ जाते हैं, आपका चेहरा देखिए कैसा रहता है, कितना विकृत रहता है, हमारा स्वभाव कितना विकृत हो जाता है। अच्छे से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं।
जब वासना आ जाती है आप अंधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं ने हमें भी एक तरह से सता के रखा है, एक तरह से बंधन में रखा है। ये बंधन है, ये बाधा है, और इन बंधनों से हमें आजादी पाना जरूरी है। आज हमें इस बात का ख्याल करना है कि मेरे अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा कार्यरत है, क्रियाशील है। जो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर क्रियाशील है, उस दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा पाना आवश्यक है। जब मैं छुटकारा पाऊंगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं मुस्कुराने लगूंगा, मैं हंसने लगूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं के वश में पड़ने के बाद कितने उदास हो जाते हैं, कितने निराश हो जाते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन जब यीशु के पास आ जाते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु के अधीन हो जाते हैं, वे स्वतंत्र हो जाते हैं, कितने खुलकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आजाद हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु अपने शिष्यों को एक शिक्षा दे रहे थे, आकाश के पक्षियों की तरह स्वतंत्र होना सीखो, गाना सीखो। सवाल ही खड़ा होगा कि हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। मैं आपके सामने तीन चार बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु के पास आना। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु यीशु कहते, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। यीशु के पास जाना, ध्यान से सुनना प्लीज, मैंने नहीं कहा चर्च जाना, मैंने नहीं कहा मोमबत्ती जलाना, यीशु के पास आना, व्यक्तिगत प्रार्थना में यीशु के करीब आना, यीशु के सानिध्य में आना। हमारे आश्रम में एक प्रार्थना भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन, चमत्कार की जगह है। जब लोग इस तरह परेशान रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से वासना हर प्रकार की समस्या से बंधन में है, मैं उनसे कहता हूं कि आप दर्शन भवन में आना, 2 घंटे कम से कम प्रार्थना में बैठना, वहां स्तुति चल रही है, स्तुति में करते प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। मैं आपसे कहता हूं असंख्य लोग दर्शन भवन में प्रभु के सानिध्य में बैठकर स्वतंत्र हुए हैं, असंख्य लोग। हम में से अधिकतर लोगों की बुरी आदत है लोगों के पास जाने की आदत है। ठीक है बाबा, मैं जानता हूं आप अपने दिल के दुख को बताना चाहते हैं, बताइए, लेकिन यह मत सोचिए कि फलाने के पास मेरी समस्या का समाधान है। हो सकता है उसके अंदर कई कृपाएं हो सकती हैं, चंगाई की कृपा हो सकती है, लेकिन उद्धार की कृपा उसके पास नहीं है, उद्धार यीशु के ही पास है। चंगाई किसी से मिल सकती है लेकिन उद्धार यीशु के ही पास है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं प्रभु के पास आना। दूसरी बात, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, हो सके तो एक अच्छा पाप स्वीकार करना। जब आप पाप स्वीकार करने लगते हैं, अपनी जिंदगी के हर पाप को, छिपे हुए पापों को भी एक एक करके बाहर लाते हैं, तो बंधन खुलते जाते हैं। जब आप पाप स्वीकार करते हैं, अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, उस दुष्ट आत्मा को ही आप बाहर कर रहे हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास है, आप उसके दास बनकर पाप करते जा रहे हैं। पाप को निकालेंगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। एक अच्छा पाप स्वीकार करना। अब मैं जानता हूं इस समय लॉकडाउन का समय है, पाप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह कागज पे लिखिए, एक एक बात को लिखिए और प्रभु के सामने रखिए। कृपा धारा बहुत अच्छी प्रार्थना है। शाम के रात के समय बैठिए प्रभु के सामने और अपने सारे पापों के लिए प्रभु के सामने रोइए। उसके बाद उस कागज को अच्छी तरह फाड़ के फेंकिए, जला दीजिए। अपने पापों को स्वीकार करना, दूसरी बात। तीसरा है प्रभु का वचन सुनना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यौहन अध्याय 15:3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु के वचनों को सुनने से आप शुद्ध होते जाते हैं, ना केवल आपका मन, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। प्रभु के वचनों को सुनिए या पढ़िए,
जितना प्रभु के वचनों को पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपका मन, हृदय, आत्मा, शरीर शुद्ध होते जाएंगे, आप स्वतंत्र होते जाएंगे। यही कारण है जब वचन की सेवा होती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, उस भीड़ में कितने लोगों को छुटकारा मिल जाता है। कैसे छुटकारा मिल जाता है? जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है, लोग प्रभु के वचनों को सुनते जाते हैं, तो वो पवित्र वचन उनके अंदर कार्य करता है और उनको स्वतंत्र कर देता है। आप पढ़ेंगे याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में याकूब लिखते हैं, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वो वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं को उद्धार करने में समर्थ है। याकूब कहते हैं अपनी सारी मलिनता दूर करके ईमानदारी के साथ प्रभु के उस वचन को स्वीकार करें जो आपकी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। तो पवित्र वचन सुनने से आपको छुटकारा मिल जाता है, आजादी मिल जाती है। पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालिए। एक भाई ने, शायद मैंने आपसे कहा, मंगलोर शहर में, कर्नाटक के मंगलोर शहर में बहुत बड़ी सभा हो रही थी, काफी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। एक भाई ने पब्लिसिटी में मेरी तस्वीर देखा और वो मुझसे मिलने के लिए आए जहां पे मैं रुका हुआ था। कमरे में आते समय उन्होंने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने पूछे, क्या बात है, पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सेना में था, मैं अभी सेवानिवृत्त हूं, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। मैं बहुत शराब पीता था, घर आने के बाद भी बहुत शराब पीता था। इसके बाद, घर आने के बाद, मैं नारियों के पीछे भी जाता था, गंदा गंदा कार्य करता था, रिश्ता रखता था, फ़ोन के द्वारा बहुत गंदी गंदी बातें करता था। एक बार मैंने अपने फ़ोन में YouTube में आपका प्रवचन देखा, उस पर प्रभु येसु की क्रूस था, पुनर्जीवित येसु दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने उस वचन को सुनना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके सारे प्रवचनों को अपने मोबाइल में अपलोड कर दिया। उन्होंने स्वयं दिखाए मुझे सारे प्रवचन, और उन्होंने कहा कि मैं उसको निरंतर सुनता हूं कान में हेडफोन लगाकर। आप विश्वास करेंगे, पिछले एक साल से मेरे मुंह में एक बूंद दारू भी नहीं गया है। मैं किसी नारी के पीछे नहीं जाता हूं। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, इस बात को समझना आप लोग, क्योंकि कई लोगों में अंधविश्वास ज्यादा है। मोमबत्ती अगरबत्ती, अच्छा बाबा, वो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, लेकिन पवित्र वचन को सुनो। जब आप पवित्र वचन को पूरा मन लगाकर सुनेंगे, पवित्र वचन आपके अंदर कार्य करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है प्रभु की स्तुति करना। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, स्तुति के द्वारा बहुत छुटकारा मिल जाता है, आजादी मिल जाती है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 वाक्य 15 में, इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। अपने होंठों से निरंतर प्रभु की स्तुति करते जाइए। आप जितना प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा। दर्शन भवन में बैठकर मैं लोगों से कहता हूं, तुमको एक काम करना है, प्रभु के सामने बैठना है, निरंतर प्रभु की स्तुति करना है। बोलते मेरी समस्या क्या क्या होगा, मैंने कहा समस्या का निदान हो जाएगा, बैठो प्रभु के सामने, स्तुति करते जाओ। सैकड़ों अवधूतग्रस्त लोगों को हमारे दर्शन भवन में स्तुति के द्वारा छुटकारा मिला है। प्रभु की स्तुति करते जाते हैं, उनको छुटकारा मिल जाता है। आप जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में आप पढ़ते हैं वाक्य 25 से, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 से हम पढ़ते हैं, फिलिपी में जेल में पड़े हुए थे पौलुस और सीलस, रात के समय वे क्या कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और जितने लोग उस जेल में पड़े थे सबने सुना। नतीजा क्या हुआ, वचन में लिखा हुआ है, सबकी जंजीरें ढीली पड़ गई और दरवाजे खुल गए। एक जबरदस्त प्रतीक है, जब आप प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, सारी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आश्रम में
मई महीने में आंतरिक चंगाई की साधना होती थी, दो साधनाएं आजकल नहीं हो पा रही हैं। उस साधना के दौरान मैं लोगों को बहुत ज्यादा स्तुति कराता हूं। जब वे बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं, स्तुति करते 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 उनके अंदर जो नकारात्मक बातें बाहर आ जाती, वे जिन बंधनों में, उन सारे बंधनों से वे बाहर आ जाते हैं। डर का बंधन, दोष भावना का बंधन, हीन भावना का बंधन, अलग अलग प्रकार के बंधनों से वे छुटकारा पाकर बाहर आ जाते हैं। तो इन प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के सामने आना और प्रभु की स्तुति करते जाना। जितना प्रभु की स्तुति करते जाएंगे उतना आप स्वतंत्र होते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली बात यह है कि हमें यह जानना है कि मेरे अंदर विभिन्न प्रकार की बाधाएं और बंधन हैं, मेरे अंदर अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं क्रियाशील हैं। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। या दूसरे के अंदर भी हो सकता है, मेरी बेटी के अंदर, मेरे बेटे के अंदर, मेरे पति के अंदर, पत्नी के अंदर। उस दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए हमें यीशु के पास जाना है, विश्वास करना है कि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। वे ही वास्तव में हमारे बंधनों से हमें आजाद करने वाले एकमात्र मुक्तिदाता हैं। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को लाएंगे। मैंने सारी बातें खोल के आपके सामने रखा है, इसका पालन कीजिए। हमें स्वतंत्र होना है। प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे पापों के दाग मिटाने नहीं आए, रबर लेके नहीं आए दाग मिटाने के लिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें चंगा करने नहीं आए, डॉक्टर बन के नहीं आए हैं। क्या फायदा, आप शारीरिक रूप से चंगे हैं लेकिन आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रभु यीशु हमें उद्धार देने आए हैं। कान खोल कर सुनिएगा, कई लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, उद्धार के लिए प्रार्थना करो। अगर आपको और आपके परिवार को उद्धार मिल जाएगा तो वहां पे इस तरह की बातें नहीं आएंगी। तो हमें बंधनों से आजाद होना है, हमें छुटकारा पाना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रवचन के बारे में, इस सत्संग के बारे में बहुत सारे लोगों को फोन के द्वारा बताएंगे, उनको भी वचन सुनने दीजिए, उनको भी आज के दिन प्रभु की कृपाओं का एहसास करने दीजिए। यीशु इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में आए हैं, यीशु इस संसार में हमें अनंत जीवन के लायक बनाने के लिए आए हैं, यीशु इस संसार में हमें उद्धार देने आए हैं, स्वतंत्र करने आए हैं, जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं मृत्यु के बाद नहीं, यही से, यही पर हमें मुक्ति का एहसास करना है, यही पर हमें अनंत जीवन का एहसास करना है, यही पर हमें प्रभु की कृपा का एहसास करना है। प्रतिदिन प्रभु के पास आकर, प्रभु के वचनों को सुनकर, उनकी स्तुति करते हुए हम स्वतंत्र होते जाएं, आजाद होते जाएं, ताकि हम इस संसार में तारों की तरह चमकेंगे, ताकि हम दूसरों के लिए सुसमाचार बन जाएंगे, ताकि हम दूसरों को प्रभु के पास लेके आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं इस समय स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर कई प्रकार के बंधन हैं, मैं धसा हूं, फंसा हूं, अटका हूं, मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही एकमात्र है जो मुझे स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हे यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, हमें स्वतंत्र करना है यीशु। हे मुक्तिदाता, हमें स्वतंत्र करना, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, आकाश के पक्षियों की तरह खुले आसमान पर उड़ना चाहते हैं। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। एक पल तेरे साथ बैठूं, प्रभु तुझसे बातें करूं, पल तेरे साथ बैठूं, प्रभु तेरी बातें सुनूं, एक पल तेरे साथ
बातें करूं बातें सुनूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा करूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा करूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी महिमा देखूं, एक पल महिमा करूं तेरी महिमा देखूं, महिमा करूं तेरी महिमा देखूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरी वाणी सुनूं, एक पल एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरा चिंतन करूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तेरा चिंतन करूं, वाणी सुनूं तेरा चिंतन करूं, एक पल तेरे साथ बैठूं प्रभु तुझसे बातें करूं। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे, हम अपनी आंखें मंद रखेंगे और अपना हृदय खोलेंगे। अभी अभी हम गीत गाते हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे, अब हम अपनी आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम ईमानदारी के साथ इस समय प्रभु के सामने पेश आए, पूरी ईमानदारी के साथ हम हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में विराजमान है, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूं, मैं सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरी आराधना करता हूं यीशु, सारी सृष्टि के साथ तेरी आराधना करता हूं, सारी कलीसिया के साथ विश्वासियों के समुदाय के साथ तेरी आराधना करता हूं, मैं अपने समूचे परिवार के साथ तेरी आराधना करता हूं, जीवन की हर दुर्बलता के साथ तेरी आराधना करता हूं, सारी विसंगतियों के साथ तेरी आराधना करता हूं, सारी विफलताओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे शारीरिक रोगों और पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं, मेरे बीते जीवन में हुए सारे पापों और अपराधों को तेरे सामने रखते हुए मैं तेरी आराधना करता हूं। ये आराधना का समय है, आराधना में हम अपनी आत्माओं को प्रभु के साथ जोड़ देते हैं, हमारी आत्माएं जगाई जाती हैं। स्तोत्रकार कहता है, हे आत्मा क्यों उदास हो, प्रभु में भरोसा रखो। हम अपनी आत्माओं को समय जगाएं, आराधना में प्रभु की स्तुति में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन होने दें। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, परम प्रसाद में
उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। संसार के मुक्ति दाता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे मुक्ति दाता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे राजा, मैं तेरी आराधना करता हूँ। पापियों को ढूंढने आए यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठाने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। बंधनों से आजादी देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे भले गड़ेरिया यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। पापियों के मित्र यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। दुखियों के सहारा यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आंसुओं को पोंछने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारी परिस्थिति में आने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। गौशाले में जन्म लेने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। दास का रूप धारण करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। क्रूस पर मेरे लिए मरने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। पिता के दाहिने विराजमान यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमारे लिए प्रार्थना करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस वेदी पर विराजमान यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय है और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था, मैं निस्सहाय हो गया था, और उसने मेरा उद्धार किया। ओ मेरी आत्मा, तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं संकट में पड़कर ये भी कहा था, कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ?
मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। ओ मेरी आत्मा, तू फिर शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना गाते हुए कुछ समय गहराई में प्रभु के साथ जुड़कर रह बिताएं। आराधना के गीत गाया जाएगा, हम भी उसके साथ जुड़कर उसके साथ मिलकर गाएंगे और प्रभु की आराधना में ये समय बिताएंगे। ये अनमोल समय है, ये कार्यक्रम देखने का समय नहीं है, ये प्रार्थना की गहराई का समय है। और गहराई में उतर जाइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। तेरे पावन रक्त के द्वारा, तेरी वंदना।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुनहरे अवसर के लिए, प्रभु को धन्यवाद देंगे उनकी उपस्थिति के लिए। हमारा ये जीवन ईश्वर का वरदान है और हमारे बारे में ईश्वर सोचता है। पेत्रुस कहते हैं वो हमारी सुधी लेता है, हमारा ख्याल करता है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, आप और मुझे हमारी माताओं के गर्भ में बुनने बनाने वाला परमेश्वर, हमें छोड़ा नहीं है, हमें त्यागा नहीं है। ये संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है और हम उसका हिस्सा हैं, हम उसके हिस्से हैं, इसलिए हम अलग नहीं हो सकते हैं। हम उनसे अलग होने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह हमसे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वह हमारा ख्याल करता है, हमारी सुधी लेता है। इस सत्य पर विश्वास करना कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। जीवन के हर मोड़ पर वो मेरे साथ है, जीवन के हर उतार चढ़ाव में वो मेरे साथ है। मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां आती हैं, पाप के कारण बंधन आ जाते हैं, तब भी वो मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो प्रेम है। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम है। अगर ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है? संभव नहीं है, ये तो उनके स्वभाव के खिलाफ हो जाएगा। आज हमने इस बात पर मनन किया है कि हमें से हर एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बंधन में पड़े हुए हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रवेश करें और बंधनों से हमें आजाद करें। यह प्रभु की इच्छा है। याद है प्रभु ने उस कोढ़ी से क्या कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रजा, उनके लोग बंधनों में पड़े रहे। उनके संसार में आने का मकसद ही हमें छुटकारा देने का है। इसलिए हम विश्वासियों को चाहिए सबसे पहले ये जाने कि हम बंधनों में हैं, और उसके बाद उस यीशु के पास जाएं। मैंने आपसे कई बातें कही हैं, उनके पास जाएं। आज इस आराधना में हम उनके पास आए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और पास आइए, और करीब आइए, विश्वास में और करीब आ जाइए। ध्यान दीजिए पूरी तरह से। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, उसको वापस लाइए, प्रभु के सानिध्य में लाइए। हम लोग थोड़ा समय बिताएंगे, समय अपने आप को देखने के लिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। याद है प्रभु ने क्या कहा मत्ती अध्याय 15 वाक्य 13 में, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ दिया जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ दिया जाएगा। तो मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, ढूंढ निकालें जिसको प्रभु नहीं चाहते हैं, और इस समय हम प्रभु के सामने रखेंगे। आज स्वतंत्रता का दिन है, आज आजादी का दिन है, आज प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए इस समय, और अपने जीवन की हर एक प्रकार की पीड़ा, विशेष करके जो गंदगी, बुराई, अनावश्यक बातें हमारे अंदर हैं, उनको इस समय याद करें। कौन कौन से पौधे हैं जो प्रभु के द्वारा रोपे नहीं गए, पिता के द्वारा रोपे नहीं गए, जो शैतान के द्वारा रोपे गए हैं। प्रभु कहते हैं कि वे सारे पौधे उखाड़ दिए जाएंगे। यीशु उनको उखाड़ने के लिए आए हैं, यीशु उनको उखाड़ने के लिए आए हैं, यीशु आज उनको उखाड़ना चाहते हैं। कौन कौन से पौधे हैं, अभी समय हम लोग मौन होकर ढूंढ निकालेंगे। हो सकता है मेरे नशे की आदत हो, मेरी गंदी आदत हो, गंदी फिल्में देखने की आदत हो, तस्वीरें देखने की आदत हो, गंदगी बोलने की आदत हो, गाने की आदत हो, अनावश्यक चैटिंग करने की आदत हो, कौन कौन सी बातें हैं, ईर्ष्या हो, जलन हो, घमंड हो, स्वार्थ हो, लालच हो, हम इस समय ढूंढेंगे वो कौन कौन से पौधे हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे अंदर नहीं रोपा है, बल्कि शैतान ने रोपा है। एक एक करके उनको प्रभु के कदमों पर रखिए, और इस समय प्रभु से अपने हृदय में कहिए कि ये यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए और इन पौधों को उखाड़िए। यीशु मैं उखाड़ नहीं पाता हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरा व्यक्तित्व कमजोर हो गया, मेरा जीवन हल्का हो गया है, क्योंकि ये सारे पौधे सब कुछ खाए जा रहे हैं।
आइए यीशु मेरे जीवन में और उखाड़िए। जिस तरह तू यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर गए, वहाँ पर जितने भी लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे सामान, उन सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया, यरूशलेम मंदिर के परिसर को शुद्ध किया, उसी तरह प्रभु यीशु मेरे जीवन में भी आइए। उन सारे पौधों को उखाड़ कर फेंक दीजिए यीशु, जो हालांकि मुझे थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा मनोरंजन देता है, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन सारी चीजों को तू उखाड़ कर फेंक, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, आजाद होना चाहता हूं। यीशु, यीशु को करने दीजिए समय, ये सुंदर मौका है, जब प्रभु ये करना चाहते हैं करने दीजिए। आइए यीशु मेरे जीवन में, आइए यीशु मेरे जीवन में, मुझे स्वतंत्र करने आइए, मुझे आजाद करने आइए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मेरा मुक्तिदाता। सब लोग इस समय मुंह खोल कर बोलेंगे, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु मुझे आजाद करता है, यीशु मुझे स्वतंत्र करता है, यीशु मुझे शुद्ध करता है, यीशु मुझे चंगा करता है, यीशु मेरे टूटेपन को सही करता है, मेरे बिखरे जीवन को एक बनाता है, संवारता है। हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। उन सारी बातों को जो तेरी इच्छा के मुताबिक नहीं है उखाड़ कर फेंकिए। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। हर तरह की बुरी आदत को, हर तरह की बुरी आदत को मुझसे निकाल कर फेंकिए, मुझसे निकाल कर फेंकिए। मुझे आजाद कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। नशे की आदत से, नशे की आदत से, नशे की आदत से, घमंड से, स्वार्थ से, चुगली करने की आदत से, ईर्ष्य और जलन से, लालच से, पेटूपन से, अश्लीलता से, वासना संबंधी हर आदत से छुटकारा, 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 छुटकारा। फ्रीडम, 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 फ्रीडम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हल्की आवाज में मेरे पीछे दूर आइए, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक है, मेरे मन और शरीर का मालिक, मेरे मन और शरीर का मालिक, मेरे मन और शरीर का मालिक, मेरे मन और शरीर का मालिक। यीशु तेरा राज्य आवे, यीशु तेरा राज्य आवे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरा ही राज्य आवे, तेरा ही राज्य आवे। मैं शैतान का परित्याग करता हूँ, तेरा राज्य आवे, मैं शैतान का परित्याग करता हूँ, तेरा राज्य आवे, मैं शैतान का परित्याग करता हूँ, तेरा राज्य आवे। इस समय हमारे बीच जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना होगी, जो भी विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं,
अपने रोग को इस समय यीशु के अधीन करना। पवित्र वचन कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। विश्वास कीजिए, यीशु कहते हैं निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। यीशु के नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना की जा रही है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मृदों को जिलाओ, अवधूतों को निकालो। हे यीशु, तेरे आदेश के अनुसार इस समय तेरी जनता के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा वचन पक्का है, तू वचन को बदलता नहीं है। इसलिए इस समय मैं विश्वास करता हूं कि चंगाइयां होने जा रही है, अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलने जा रहा है। इन वचनों को सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को तू स्पर्श करने जा रहा है, बंधनों को खोलने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है। यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हर रोगी समय प्रभु की हाथ में अपने रोगों को समर्पित करेंगे, कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी रोगी यीशु की शक्ति के परिधि, प्रेम के परिधि से बाहर नहीं है। कोई भी रोग यीशु के लिए असंभव नहीं है। इस समय समर्पित कीजिए पुराने से पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग, एड्स का रोग, कैंसर का रोग, कोरोना का रोग, दिल का रोग, चमड़े का रोग, अन्य प्रकार के रोग यीशु के हाथ में देकर इस समय विश्वास करना, यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं, ऐसा पक्का विश्वास करना। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से इन वचनों को सुनने वाले, इसमें प्रार्थना भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दीवार के गिरने से शरीर पर चोट लगी है और चोट बहुत गहरी है, हमेशा दर्द रहता है, विशेष करके जाड़े के मौसम में। दीवार के गिरने से एक बहन के शरीर में चोट लगी थी, चोट गहरी है, बाहर से दिखाई नहीं देती है, बाहर से चंगी हो गई लेकिन अंदर बहुत दर्द देता है। उस बहन को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं। बहन, प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना लोगों को, धन्यवाद यीशु। कई मानसिक रोगी जो घर पे पड़े हैं उनके लिए प्रार्थना हो रही है, समय परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दवाई करने से भी लाभ नहीं है, कमरे में बंद रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, सोते रहना चाहते हैं। ऐसे कई मानसिक रोगियों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोगों को इस समय प्रभु प्रार्थना का वरदान दे रहे हैं। आप जब प्रार्थना करने लगेंगे आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। प्रभु आपको प्रार्थना द्वारा बहुत आगे ले चल रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। एक बहन के कमर पर पुरानी चोट, और वो चोट हमेशा परेशान करती है, दवा करने से भी कोई लाभ नहीं है, बीच बीच में दर्द की गोली खा रही है वह बहन। प्रभु यीशु आपके उस पुराने चोट को अपने पवित्र रक्त के शक्ति से इस समय चंगा कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हो गए बहन, आप आराम महसूस करेंगे। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इस समय एक नाम दे रहे हैं, रीटा। रीटा नामक एक बहन, ज्यादा उम्र नहीं है, करीब 30-40 के बीच में, रीटा नाम की एक बहन जिसके गाल के अंदर, मुंह के अंदर हमेशा घाव रहता है,
और वो बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, खाना खाने में परेशानी है, हर तरह से परेशानी। प्रभु येसु बहन आपको इस समय स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, अपनी ज़िंदगी प्रभु को समर्पित करना। धन्यवाद येसु, धन्यवाद येसु, धन्यवाद येसु। अभी परम प्रसाद की आशीष का समय है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को मोबाइल में देखते हैं लेकिन आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उसमें आपको कोई पैसे का खर्च नहीं है। सब्सक्राइब पर बटन दबाएंगे, उस बेल को दबाएंगे तो जो भी कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित होगा तुरंत आपको इसके बारे में सूचना मिलेगी। इसीलिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आज की प्रार्थना और आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने मित्रों को आज इसके बारे में शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में शेयर करना ताकि वे भी इस प्रार्थना में और वचन में सहभागी हो सके। इस बात का ख्याल कीजिए कि मैं 5 लोगों को बताऊंगा, ऐसे सोचिए अपने दिल में। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, उनको बताइए ताकि वे भी इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करेंगे। याद दिलाता हूँ, हर रविवार को इसी तरह 12 बजे सत्संग होगा और हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी का कार्यक्रम, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग का कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक का कार्यक्रम और कृपाधारा कार्यक्रम आराधना रात को 9 बजे से हर रोज, विशेष करके बुधवार और शनिवार को 3 घंटे की आराधना, वरना 9 से 10 बजे तक। इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करना। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आइए हम इस समय प्रभु के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए। धन्यवाद प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, कैसे करूं अदा तुम्हारा शब्द नहीं भगवान, कैसे करूं अदा तुम्हारा शब्द नहीं भगवान, खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको मिले मुझे वरदान, सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको।